अक्टूबर को महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है और इस मौके पर महागठबंधन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन इस तैयारी पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया है। कांग्रेस इसे महागठबंधन की एकजुटता का कार्यक्रम नहीं मान रही, तो क्या अब भी महागठबंधन में गांठे पड़ी हुई हैं जो सुलझने के लिए तैयार ही नहीं है? लोहिया की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन, कुशवाहा की कोशिश पर कांग्रेस ने पानी फेरा। चुनाव से पहले महागठबंधन की गांठे नहीं खुलेंगी। बारह अक्टूबर को महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है और इस मौके पर आरएलएसपी की तरफ से महागठबंधन को एकजुट करने की कवायद हो रही है। पूरा पटना कार्यक्रम के पोस्टरों से अटा पड़ा है। महागठबंधन कल राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं, सबके तस्वीर हैं उसके ऊपर। इस कार्यक्रम में सिर्फ महागठबंधन के लोगों को ही न्योता नहीं दिया गया है, बल्कि लेफ्ट को भी बुलाया गया है। मतलब साफ है कि सत्ता को चुनौती देने के लिए कुशवाहा सभी को एकजुट कर रहे हैं और उनकी इस कोशिश में आरजेडी का साथ मिला है। महागठबंधन की ओर से कार्यक्रम आयोजित है जिसमें महागठबंधन के विभिन्न दलों के प्रमुख नेता सब रहेंगे और साथ ही साथ हम लोगों ने आमंत्रित किया है कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी, सीपीआई, सीपीएम, माले, सब लोगों को। संयोजक कन्वीनर के रूप में हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बाकी सभी लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सब लोग उपस्थित रहेंगे? सब लोग का मतलब सभी नेता उपस्थित रहेंगे। लेकिन कुशवाहा की इन सारी कोशिशों पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नहीं देख रही है, तो ही जेडीयू ने महागठबंधन को लोहिया की नीति जानने की सलाह दी है। महागठबंधन का शक्ति परीक्षण नहीं है, लोहिया जी की जयंती श्रद्धा से मनाई जा रही है और महागठबंधन के तमाम नेता उसमें आएंगे। लोहिया जी के विचारों पे चर्चा होगी, उनके सिद्धांतों पे चर्चा होगी, उनके नीतियों पे चर्चा होगी। लोहिया की बात करते हैं, जेपी की बात करते हैं, साहब लोहिया के पुण्यतिथि या जयंती में आप अपने विचार रखने से पहले आप अपने आप पे तो उसको उतारिए। लोहिया जी ने कहा था भ्रष्टाचारियों उसको दूर करो, परिवारवाद को दूर करो, उन दोनों में तो आप लोग संलिप्त हैं, तो इसमें साफ दिखता है मुंह में राम बगल में चूरी। कांग्रेस के स्टैंड ने एक बार फिर से महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि 12 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को देखने के बाद पता चल पाएगा कि कुशवाहा की कोशिश कितनी कामयाब हुई, क्योंकि कुशवाहा महागठबंधन का दायरा बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें सहयोग किसका किसका मिलता है ये एक बड़ा सवाल है। धीरज ठाकुर।